नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच अब पूरी हो गई है और नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 750 में से 22 प्रत्याशियों की नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। निरस्त किए गए नामांकनों में से गढ़वाल मंडल के 13 और कुमाऊं मंडल के 9 नामांकन शामिल हैं, जिसके बाद अब 31 जनवरी को प्रत्याशियों के नाम वापसी की तारीख तय की गई है, जिसके बाद सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो जाएगी। गढ़वाल मंडल में देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर 3 आवेदकों के नामांकन निरस्त किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में यमकेश्वर, श्रीनगर, कोटद्वार, चौबट्टा खाल और पौड़ी विधानसभा सीट पर 1-1 नामांकन निरस्त किया गया है। हरिद्वार जिले में 4 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। टिहरी जिले में देवप्रयाग से 1 नामांकन निरस्त हुआ है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में कोई भी नामांकन निरस्त नहीं हुआ है। वहीं कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट सीट से 1 और चंपावत जिले की लोहाघाट सीट से 1 नामांकन रद्द किया गया है। बागेश्वर जिले में 3 नामांकन निरस्त हुए हैं। इसमें बागेश्वर सीट से 1 और कपकोट विधानसभा सीट से 2 नामांकन शामिल हैं। अल्मोड़ा जिले में सल्ट सीट से 1 नामांकन रद्द हुआ है। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर, जसपुर और गदरपुर विधानसभा सीट पर 1-1 नामांकन निरस्त हुआ है। नैनीताल जिले में कोई नामांकन पत्र निरस्त नहीं हुआ है, जिसके बाद अब मुकाबले में कुल 728 उम्मीदवार बचे हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 637 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार यमकेश्वर, नरेंद्रनगर और बाजपुर विधानसभा में सबसे कम 6 से दावेदार सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मतदाता संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा धर्मपुर में सबसे अधिक 20 दावेदार सामने आए हैं। इसके बाद डोईवाला विधानसभा में 19 दावेदार सामने आए हैं। अब देखना यह होगा कि नामांकन वापसी के बाद दावेदारों की संख्या बढ़ती है या घटती है और उत्तराखंड की सत्ता का ताज किसके सर पर सजता है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सभी उम्मीदवार अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं शुएब अहमद हल्द्वानी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और आप सभी लोगों से अपील करता हूं, अपने इस भाई को एक मौका जरूर दें। 5 साल से आपके बीच में हूं और आपके बीच का हूं और सबको मौका दिया है, एक बार मौका ये दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हल्द्वानी के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, एक बार अपने छोटे भाई को मौका ज़रूर दें। शुएब अहमद।